सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। स्वर्गीय पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि आज है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सीएम योगी ने 9 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि राजधानी लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रतिमा लगाई गई है। प्रतिमा के अनावरण के साथ सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, बाबूजी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जा रहा है। बाबूजी ने सेवा, सुशासन और सामाजिक न्याय के अद्वितीय प्रतिमान स्थापित किए हैं। उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के साथ ही अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए भी कार्य की शुरुआत की थी। ये वह कालखंड था जब उत्तर प्रदेश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, प्रदेश में आतंकवाद की सुगबगाहट हो रही थी। उन स्थितियों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने उस कालखंड में प्रदेश की बागडोर संभाली थी। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, या उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, मैं मान सकता हूं कि सुशासन की उस नींव को आधार देने में 1991 में सरदेव बाबूजी के नेतृत्व की सरकार के जो कार्य पद्धति थी, वह भी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हुई। आज गाजियाबाद के जल निगम पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे रहे। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से मंथन होगा। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बिजेश पाठक दोनों बैठक में मौजूद रहेंगे। जैसा कि आज गाज़ियाबाद में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार यहां पर आज बैठकों का दौर है। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जल निगम है हमारे पीछे, देख सकते हैं यहां पर जल निगम में आज यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पहुंचने वाले हैं। साथ ही यहां पर देखिए उससे पहले किस तरह से व्यवस्थाएँ यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ चुका है। लगभग यहाँ पर जो बैठकों का दौर है वो लगभग यहाँ पर तकरीबन 2 बजे बताया जा रहा है, 2 बजे यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पहुँच रहे हैं। उसके बाद गाज़ियाबाद के वसुंधरा में ही सिल्वर स्पून में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक दोनों वहां बैठेंगे। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से और अपने पदाधिकारियों से, खास तौर पे ये जो बैठक है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ अपने जितने भी पदाधिकारी हैं गाज़ियाबाद में उनसे वार्तालाप होनी है। कहीं ना कहीं 2024 का जो बिगुल है वो गाज़ियाबाद से सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि आखिर कितना यहाँ पर दमखम भर सकती है भाजपा सरकार। और साथ में आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं सभी से वो वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, और ये बातचीत का दौर लगभग 2 जगह पर होने वाला है। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। खबर कन्नौज के साई नर्सिंग होम से है, जहां डॉक्टरों ने लालच में आकर इलाज के लिए पहुंची पस्ता का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद ऑपरेशन के दौरान ही जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों समेत वहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एसडीएम ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, साथ ही दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ये है, इन्होंने जच्चा बच्चा दोनों की गारंटी भी दी कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये खटक रहे हैं, और ऑपरेशन करने के टाइम मेरा जच्चा बच्चा दोनों को इनकी लापरवाही के कारण खत्म हो गया। आपको राय किसने दी प्राइवेट अस्पताल पहुँचने के लिए? सरकारी जो नर्स उसमें बैठती है आज। क्या कहा उसने? उसने कहा साई हॉस्पिटल में चले जाओ, तो देखो वहाँ देखो मेरी पूरी गारंटी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने रुपए मांगे यहाँ? यहाँ मुझसे 18,000 रुपये मांगे हैं कि तो इतने आपका पूरा हो जाए। ऑपरेशन के दौरान माता और शिशु दोनों की मृत्यु हो गई थी।
इसमें जो हॉस्पिटल है इसकी जिम्मेदारी बताई जा रही है, इसकी पूरी जांच होगी, इसमें जांच टीम बैठ चुकी है, सीएमओ सर की तरफ से जांच है, इसमें डीएम साहब का संज्ञान में भी है ये मैटर, और इसमें कोई ना कोई कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी परिवार के साथ प्रशासन। मैडम, हसियारण में कई ऐसे अस्पताल हैं जिनकी हालत इस अस्पताल से भी ज्यादा खराब है। देखिए, सबकी जाँच होगी, जिन जिनके ऊपर हमें सूचना मिलती जाएगी सबकी जाँच सबकी जाँच कराई जाएगी, किसी को भी नहीं अच्छा जाएगा जो उनके साथ ऐसा करते हैं। आपको बता दें, खबर कन्नौज के साई नर्सिंग होम से है, जहां डॉक्टरों ने लालच में आकर इलाज के लिए पहुंची प्रसूता का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन के दौरान ही जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों समेत वहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे SDM और CO ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं SDM ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है, साथ ही दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है, इसमें एक बड़ी लापरवाही आई है। पूरा मामला लालच का बताया जा रहा है, हॉस्पिटल द्वारा पैसे को लेकर यह लापरवाही सामने आई है। इस खबर पर हमारे साथ राम ऋषि मौजूद हैं। राम, ऑपरेशन के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है, अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और लालच का आरोप लगा है इन पे, क्या खबर, क्या जानकारी आपके पास इनको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दीजिए, हसेरन क्षेत्र का मामला है, जहां पर गर्भवती महिला वहां पर पहुंची थी, डॉक्टरों ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा और डॉक्टरों ने जो है लालच में आ गए, उसके बाद उस गर्भवती का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद जो है ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों के बीच कोहराम मच गया, परिजनों ने जो है वहां पर मचाया तो वहां पर पुलिस भी पहुंच गई, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से राम ऋषि, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। खबर लखीमपुर के निगासन कोतवाली से है, जहां एक बार फिर तेंदुए के आतंक फैल रहा है। आपको बता दें कि खेत में मौजूद तेंदुए अचानक एक महिला और मासूम पर हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बिट्टा हमारी ढर्रा पर बैठी रहे, हम घास काट रहे हैं, ठहर रहे, देखे तो आगे चक्कर चिल्ला, तुरंत चिल्ला लिया, तब देखे तेंदुआ नट्टी पकड़े रहे, तुरंत हम चिल्ला लिया, तुरंत छाड़ भाग गए, तुरंत हम तुरंत उठाए, तुरंत चल गए लेके। ये कहाँ की घटना है? पूरी नदी पार। अच्छा, ये बच्ची तुम्हारे साथ क्या करने गई थी? ये लड़की को तेंदुए ने काटा है, और तेंदुए हमारे गांव में कम से कम 3 महीने से क्षेत्र हमारे घार में घूम रहा है, और जिससे सारी किसानी जो खेतों की वो ठप पड़ी हुई है, और 3 घंटे हो गए हैं लड़की के डेट हुई है जो शेर ने काटा है, तब तक यहां से वन विभाग के कोई कर्मचारी यहां पे अभी तक नहीं आया। मऊ के सराय लखनशी थाना क्षेत्र के नाले को लेकर विवाद हो गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में भी गोलियां चलाई गईं। इसी दौरान एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक व्यक्ति था जिसका नाम राम मुनेश था, नियर अबाउट 50 ईयर एज होगी, बता रहे थे लोग कि गोली लगी है, लेकिन हमारे यहाँ आया तो वो मृत्यु। कितनी गोली लगी थी आप? मेरे हिसाब से तो एक ही गोली मुझे दिखाई दी, एक ही गोली का निशान दिख रहा था जो पीछे लगा हुआ था बाएं साइड में। बुलंदशहर के अनूपशहर क्षेत्र की कोतवाली आहार में गांव औरंगाबाद में एक युवती के साथ 2 दबंगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उनके भाई की हत्या कर दी गई। गैंग रेप की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग रेप करने वाले 2 लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं दूसरे की तलाश अभी जारी है। वहीं सूचना मिलते ही एसपी और सीओ ने मौके पर पहुंचकर भाई के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एसपी ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 7:30 बजे करीब रेडी करने के लिए गया है, वापस आया है, रोटी खाई है उसने और फोन आया है उधर से, किसी ने फोन किया है, उसको बुलाया है, फिर हमें 3 घंटे बाद पता चला कि उसकी लाश बाग में लटकी मिली। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पुलिस कुछ नहीं, हमारे तो परिवार वाले जैसे बार बार जाते थे तो वो भगा देते थे। तो आप लोग हैं वो गरीब वालों किसी के नहीं सुनते। आप क्या चाहते हो? हमें इंसाफ मिले। घटना ये हुई, इस लड़की का भाई सतेंद्र को 2 आदमी आए और घर से ले गए कि भाई फैसला के विषय में कुछ बातें करनी है। वो कुछ विश्वास के साथ उनके साथ चला गया। जैसे कुछ समय बाद हमने घूमा तलाश करा, रिपोर्ट मिली तो एक बार में फांसी के बहाने उसकी मौत हो गई। आपने जो तहरीर दी थी कब, कौन सी तारीख को दी थी? तहरीर दी थी 13 तारीख 20 अगस्त 2022 को समय लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि औरंगाबाद तारपुर में थाना क्षेत्र आहार में एक व्यक्ति ने बाग में फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति का नाम सतेंद्र पुत्र धर्मवीर के रूप में हुआ। इसमें बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है तथा आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर वाराणसी क्लब के ट्रैफिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस रैली में महिलाएं कार चलाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करेंगी, साथ ही एक संदेश देने का कार्य भी करेंगी। वहीं जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस कार रैली को रवाना किया। इसकी थीम है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी महोत्सव की थीम है, उसी हिसाब से हमने अपनी कार को थोड़ा सा डेकोरेट किया। जीत और हार तो अपनी जगह पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा मैटर करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनारस क्लब के द्वारा ये एक ट्रैफिक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिला एम्पावरमेंट का भी इसमें नज़ारा देखने को मिलेगा। लेडीज़ अपनी अपनी गाड़ियां चला के शहर में जाएंगी, उसके माध्यम से ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक जागरूकता का एक संदेश पूरे शहर में जाएगा। ये एक रैली नहीं है, ये एक ट्रेजर हंट का कार्यक्रम है जिसमें लेडीज़ अलग अलग क्षेत्र में जाके वाराणसी की अलग अलग नायाब चीज़ों को खोजेंगी। उस खोजने के बाद उसमें क्विज टाइप की है, वो 12 क्वेश्चन क्विज के पूरे करेंगी तब लौटेंगी और तब यहाँ पे आके उनका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें वाराणसी की सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसमें ऐतिहासिक चीज़ें हैं और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये इंटेलिजेंस का, एक ट्रैफिक जागरूकता का, महिला सशक्तिकरण का और आज़ादी के अमृत महोत्सव का, इन सब का मेल मिलाप है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं और बनारस की बात करें तो यहां भी गंगा और उसकी सहायक वरुणा नदी उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर तटवर्ती क्षेत्रों में साफ देखने को मिल रहा है। वहां के घाटों के किनारे बसे घरों में भी पानी प्रवेश करने लगा है जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खबर कन्नौज से है जहां घर के बाहर सो रहे अधेड़ की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी है। धारदार हथियार से गर्दन काटकर हमलावर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं इस अधेड़ की हुई इस निर्मम हत्या से गाँव में दहशत का माहौल है। 2 बजे करीब कोई कुल्हाड़ी लेके मार गया और हम लोग छत पे लेटे थे, पापा ने आवाज़ दी कोई मार गया, लल्ला बेटा मार गया, और हम लोग जब नीचे उतरे तो वो भाग गया। मम्मी ने तो देख लिया है, अब पता नहीं पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया, पापा मम्मी से जो भी बोला हो पापा ने। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? रंजिश तो कुछ नहीं थी फिलहाल, अब पता नहीं कौन कैसा क्या होगा, कोई गाँव का होगा। क्या करते क्या थे पापा? पापा हमारे मजदूरी करते थे, वो चूड़ी बेचते, धंधा करते थे अपना गाँव गाँव। कितने बजे रात में घटना हुई है? 2 बजे करीब हुई है। सो रहे थे, पता नहीं कौन आके और इनको काट के चला गया। काहे से काटा? कुल्हाड़ी से।
फिर आप लोगों ने कैसे जानी? ये चिल्लाने थे। अच्छा, जब जानी ये लोग, इनके बच्चे लोग ऊपर सो रहे थे छत के ऊपर, तो जब उन्होंने जाने तब वो चिल्लाए, तो उन्हीं को जो भी बताया हो या ना, जब हम दूसरे मकान में रहते हैं तो जब तक वो लड़का भाग के हमारे पास गया बुलाने के लिए, फिर वहाँ से हम भागे। क्या कोई कोई क्या पुरानी रंजिश थी? क्या पुरानी रंजिश होती हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं मालूम है। तो कुल्हाड़ी से फिर कहाँ लेके गए थे इनको रात में? रात में कहीं नहीं लेके गए, पुलिस वालों ने अपना बचाव किया, यहाँ उठा के डाल दिया आगे, कुछ भी नहीं इंसाफ मिल रहा है हम लोग को। खबर कानपुर देहात से, जहां एक नवविवाहिता और उसके भाइयों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। साथ ही दहेज की डिमांड ना पूरी होने पर नवविवाहिता को घर से निकाल दिया गया। मारपीट के सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्थाओं में भी सभी को जिला अस्पताल भर्ती करा गया है, जहाँ सभी का उपचार चल रहा है। घटना को लेकर सी ओ सिटी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम इनको गए थे भेजने वहाँ, और उन्होंने कहा हमको रुपए दीजिए 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो तो अंदर घुसने देंगे, तो हमको पैसे तो भाई हमारे पास है नहीं, जाए नहीं, तो बस उन्होंने एकदम गाली गलौज के मारपीट शुरू कर दी। कितने लोग घायल हैं आपके घर से? 5-7 लोग हम गए थे, 4 लोग घायल। अच्छा, जब शादी आपने की थी तो क्या दाम दहेज नहीं दिया था? तो मार हमने 30-35 लाख रुपया कर दिया। अब फिर से मांग कर रहे हैं? शादी कितने दिन हुए? अब नवंबर में की, 20 नवंबर। थाना मंगलपुर के गांव अकारू में ससुराल पक्ष और माँ के पक्ष के लोगों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, और वादिया पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। खबर प्रयागराज से, जहां पर परवेजाबाद गांव में स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा दबंगों द्वारा उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा किया गया है और अवैध रूप से खनन का कार्य किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक अवैध खनन शिकायत करने पर पुलिस द्वारा इसके ऊपर CRPC के तहत 151 में चालान की कार्रवाई कर दी गई है, जिससे परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने प्रेस वार्ता कर अपनी परेशानियों को साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। और मेरी जमीन की जो नपाई की है वो अवैध की है, 98/3 को एकदम अवैध रूप से 2 पार्ट में कर दिए हैं, जबकि ग्राम सभा एक तरफ होनी चाहिए और ये क्या नाम से इसका गांव, इसका हम लोगों का एक तरफ होनी चाहिए, ग्राम सभा की एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन वो ना करके इनको बीच में करके वो आप खनन विभाग, SDM DM सब जो भी मिले हुए, हम लोग सबसे शिकायत के बाद कोई सुना नहीं गया, यहाँ तक मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और अवैध खनन को तुरंत रोका जाए। क्या आप लोग? जी सर, परवेजाबाद में हमारी ज़मीन आज 70 साल से आजा पुरखा की हमारी ज़मीन है, उस पर हम लोग काबिज हैं, लेकिन ये सोरेपुष्ट भू माफिया रोहित वासले जबरदस्ती हमारी ज़मीन को जो कि बार बार छेड़छाड़ करके बताता है कि पट्टा है, और सरकार वो RI को पैसा दे करके उल्टा सीधा नाप करा करके टोटल वो जो है कि बस हमारी लोग खनन कर रहा है, जबरदस्ती जो है कि खनन कर रहा है, उसको रोका जाए, किसी भी तरीके रोका जाए। कहाँ कहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया? सर, हमने DM साहब को दिया, SDM साहब को दिया, और CO साहब को दिया, और कई जगह हमने फैक्स कर दिया, कमिश्नरी मुख्यमंत्री कई जगह हमने पोर्टल पे फैक्स किया, जिसका कि हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।